हेलो गाइस, दिस इज निर्भय और आप देख रहे हैं रॉकी की मिचल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जो कि पबजी लवर्स हैं और पबजी का उनका फेवरेट गेम है। तो यहाँ पे एक न्यूज़ जो निकल के आती है वो ये है कि पबजी के अंदर एक नया आर्केड मोड ऐड हो रहा है और उस मोड का नाम है ड्रैगन मोड। और ये मोड फिलहाल जो है बीटा टेस्टिंग पे चल रहा है जो कि पबजी चाइनीज वर्जन के अंदर है। और आपको पता ही है ये फिलहाल जो पहला ये मोड है कि जो सबसे पहले जो मोड्स आते हैं कोई भी या फिर कोई भी अपडेट आता है वो चाइनीज वर्जन में आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि वो पबजी है जो चाइना में ही बना था, तो इस वजह से। ठीक है, तो 5 फरवरी को जो है ड्रैगन मोड जो है ग्लोबल वर्जन पे आएगा शायद तक। अब इसके कोई कंफर्मेशन नहीं मिले हैं कि ये पक्का ही आएगा, यहाँ पे खाली हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि हाँ आ सकता है। लेकिन अगर आप खेलना चाहते हैं ड्रैगन मोड को तो यार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको खेल सकते हैं और मैं आगे इसमें बात भी करूंगा कि क्या ये ग्लोबल वर्जन पे आएगा या नहीं आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि 5 फरवरी को जो है चाइना का न्यू ईयर मनाते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे पबजी वालों ने कुछ उनके लिए करने के लिए यहाँ पे ये जो है ड्रैगन मोड है ऐड किया गया है। तो यहाँ पे मैं इसलिए अब बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दे करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एक लाइक से भी। और साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, इससे हमारी भी हेल्प होगी और उन लोगों की भी हेल्प होगी जो कि पबजी न्यूज़ इनको पता नहीं थी इस बारे में। तो मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसी न्यूज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ बस इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस देख सकते हैं आपको इस ड्रैगन से है लड़ना पड़ेगा जो कि जो तबाही मचा रखी है इसने विकहंडी मैप के अंदर। और देख सकते हैं ये ड्रैगन कितना बड़ा है और कितना मोटा हट्टा कट्टा जो ड्रैगन है। अब इस ड्रैगन को मारने के लिए आपको जो है आपकी स्क्वाड है यानी कि टीममेट्स की मदद लेनी पड़ेगी। अब इसकी जो है HP आपको पूरी तरह से ख़त्म करनी पड़ेगी जो कि 10 बार आपको करना पड़ेगा। बाई चांस आप मर भी जाते हैं तो आप रीस्वैप हो जाएंगे यानी कि वापस जिंदा हो जाएंगे जैसे वर्ड मोड में होते हैं। और अगर माई दबे ये मरता नहीं, इसमें आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे इसमें आप क्या क्या करना है जिससे आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो जब मैं फायरिंग कर रहा हूँ तो कुछ मुझे रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो एंड में जाके जिस पे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा आपको। और अगर यार अगर आप इसको एंड में मार देते हैं तो आपको रिवॉर्ड में कुछ भी मिल सकता है। मैं ऐसा कुछ ये दावा नहीं करता हूँ। और ये आपको अटैक बहुत सारे तरीकों से कर सकता है। अब यहाँ पे आपको ये जंप कर सकता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये मेरे पे जंप कर रहा है और मैं इस पे फायर करके डाल रहा हूँ जिससे कि यार मेरे को कुछ पॉइंट्स भी मिलेंगे और जो है इसका जो है HP भी कम होगी। अब इधर आप देख सकते हैं मैं इसको है हमारे जो दोस्त हैं जो भी टीममेट्स हैं उसने इनको पागल करके रख रखा है इसको। और ये देखिए कितना जितना ज़्यादा ये गुस्सा होगा उतना ज़्यादा इसकी जो है पावर बढ़ेगी, यानी कि जितनी ज़्यादा आप इसको मतलब कि गोलियाँ मारेंगे और इसकी HP कम करेंगे उतना ज़्यादा ये गुस्सा होगा और जितना ज़्यादा ये गुस्सा होगा उतना ज़्यादा ये आप अटैक करेगा और उतनी ही पावर का। अब एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, अगर मान लीजिए आपकी गोलियाँ ख़त्म हो जाए तो साइड में जो क्रेट या ड्रॉप आप देख सकते हैं वहाँ से आप उठा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सी गोलियाँ आपको मिल जाएंगी जो भी आपकी गन की गोली चाहिए होंगी। और अगर आपको इसका जो बॉल सा है जो थंडर बॉल सा अगर टच हो जाता है तो आप डायरेक्टली है नॉक हो जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो ये फायर क्रैकर्स आपको उस पर डालते रहना है ताकि जो है आपको बोनस में पॉइंट्स मिलते रहें। तो और चीज़ सो गाइस मेरे को बताइए जरूर आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगती तो लाइक कर दो यार और साथ साथ शेयर भी कर देना। तो अब एक और चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वर्जन ये मोड जो है ग्लोबल वर्जन में आना चाहिए, तो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले टाइम में मैं और भी अपडेट बताऊँ, जैसे नाइट मोड भी आएगा जो कि वीकेंड या सारे मैप्स में आएगा तो वो भी मैं आने वाले वीडियोज़ में बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।